ओवरकम बाय दीज टैक्टिक्स एंड प्रेशर्स। मैं राजनीति में हूं, वीरभद्र सिंह जी की जो प्रिंसिपल्स है, 6 बार वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने हमेशा जो है अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे, विद ड्यू रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट ऑफ दी हाई कमांड, उन्होंने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे राजनीति करी है। एंड इट इज माय मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जैसा मैंने हमेशा कहा है कि सही का समर्थन और गलत का विरोध करते हुए हम उसी राह पर आगे चलेंगे, विद ऑल ह्यूमिलिटी, विद ऑल जो है एक रिस्पेक्ट, एक ड्यू रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट जिसको देना है हम निश्चित तौर से देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर अगर हमारी आवाज को या हमारे जो है अस्तित्व को कोई दबाने का या कोई मिटाने की कोशिश करेगा, उस चीज को मैं टॉलरेट करने वाला नहीं हूं। ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों से कह देना चाहता हूं। जो पिछले ये घटनाक्रम प्रदेश के अंदर पिछले 2 दिन के अंदर हुआ है, इसकी वास्तविक परिस्थिति मैंने हाईकमांड से बात करी है, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी से बात करी है, नेशनल प्रेसिडेंट से बात करी है और जितने भी पार्टी के आला हाईकमांड है उनसे बात करी है। द कॉल हैज टू बी टेकन बाय द पार्टी हाईकमांड। उस पर मैं उस चीज पे मैं नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि वो मेरा डोमेन नहीं है और मैं जैसा मैंने कहा मुझे पता है कि कहां पर लाइन खींचनी है, इसलिए उस चीजों पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। ये जरूर है कि जो वास्तविक परिस्थितियां है और बहुत सी भावनाएं प्रदेश में लोगों की है, उसके बारे में मैंने पार्टी हाईकमान को जो है वो इसके बारे में जानकारी दी है। नाउ द कॉल एंड द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द हाईकमान, दे हैव टू डिसाइड व्हाट हैज टू बी डन, व्हेन इट हैज टू बी डन, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा और दुख के साथ, भारी मन के साथ ये मैं कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति का नाम लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी, 1 साल के अंदर जो मुगल संतनत के आखिरी शहंशाह थे बहादुर शाह जफर, उनकी एक लाइन है कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। जिस व्यक्ति 6 बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, 6 बार जिसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसको उसके लिए उसको उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। दिस इज व्हाट रिस्पेक्ट दिस गवर्नमेंट हैज शोन टू माय लेट फादर। इस तरीके की जो चीज हुई है, हम इमोशनल लोग हैं, इमोशनल, पद से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमको ये कोई लेना देना नहीं है कि सरकार रहती है कि नहीं रहती है, हम पद पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, मगर एक रिगार्ड, एक रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए थी, बारी बारी बोलने के बावजूद जो चीज ये नहीं कर सके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित तौर से राजनीतिक रूप से नहीं मगर भावनात्मक रूप से मैं बहुत आहत हूं कि इस तरीके की चीज, किस चीज क्यों हुई, किस कारण से हुई, मैं नहीं जानता हूं। और पार्टी हाईकमांड को इसके बारे में कहने के बावजूद भी ये चीजें नहीं हो पाई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बारे में हाईकमांड को देखना चाहिए, इन चीजों को देखना चाहिए। जैसा मैंने कहा, हिमाचल के लोग बहुत भावुक हैं, इमोशनल है, हर चीज राजनीतिक पैमाने से नहीं तोली जा सकती है, हर चीज को जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। कुछ चीजें भावनात्मक होती है, कुछ चीजें राजनीति से ऊपर उठकर होती है और इसमें एज अ सन मुझे इस चीज का बिल्कुल भी इस चीज पे जो है वो अच्छा नहीं लगा और मैं आज इस चीज को जाहिर कर रहा हूं। एंड आई एम श्योर इन द टाइम्स टू कम मुझे लगता है कि पार्टी इस चीज के बारे में जो है वो संज्ञान लेगी और इस चीज को आने वाले समय में जो है वो देखा जाएगा। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमने पार्टी का हमेशा हर जंक्चर पर साथ दिया है और पिछले कल भी बहुत स्पेकुलेशंस थी, बहुत तरीके के अफवाहों के बाजार गर्म थे, मगर हमने पार्टी का समर्थन किया है। पार्टी के हाईकमान का जो आदेश था उसको हमने
पूरा किया है और जैसा मैंने कल कहा कि हाईकमांड का जो विश्वास हम में रहा है उसको हमने पूरा किया है और आने वाले समय में भी मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जो किसी को ह्यूमिलेट करे, प्रदेश की जनता को ह्यूमिलेट करे या जो है लक्ष्मण रेखा से बाहर निकल कर हो। मैं आज केवल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है, इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं जो मैंने निर्णय लिया है। आने वाले समय में विद ड्यू कंसल्टेशन विद आवर पीपल मैं सबसे बात करूंगा, जो हमारे चाहने वाले हमारे लोग हैं, हमारे समर्थक हैं, उनके साथ बात करके, उनके साथ चर्चा करके, उनके साथ विचार विमर्श करके आने वाले समय में फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को जो है वो डिसाइड किया जाएगा। उसके बारे में मैं अभी कुछ ज्यादा ना कहना चाहता हूं ना कह सकता हूं, मगर आज मैं केवल इतना साझा कर रहा हूं विद ऑल ह्यूमिलिटी, विनम्रता पूर्वक तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने पद से जो है वो अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को और राज्यपाल जी को जैसे भी जो भी प्रोसेस है उस तरीके से सौंप रहा हूं और आने वाले समय में जो परिस्थिति होगी उसके हिसाब से जो है वो कार्यवाही आने वाले समय की उसको किया जाएगा। और मैं फिर से प्रदेश की जनता का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि इतने समय तक आपने जो प्यार जो आशीर्वाद मुझे दिया, जो प्रेरणा मुझे समय समय के ऊपर दी, बहुत से जीवन में कठोर निर्णय लेने भी पड़ते हैं, बहुत से मुश्किल समय भी आते, मगर प्रदेश की जनता ने हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया है, हमेशा हमारा समर्थन किया है, हमेशा मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है और मैं हमेशा आने वाले समय में भी उसी तरीके से सही का समर्थन करते हुए गलत का विरोध करते हुए आगे बढ़ूंगा और जो भी जैसा मैंने आपको कहा विद ड्यू कंसल्टेशन जो भी करना है, क्या करना है, कैसे करना है, नहीं करना है, उसके बारे में सोचकर चिंता मंथन करके भविष्य की जो रणनीति है, भविष्य का जो कार्यक्रम है उसको तय किया जाएगा। मगर मैं प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ पे अपना पूरा आश्वासन और प्यार जिस भी कैपेसिटी में मैं था जो मुझे दिया है, अपना प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है और जो मुझे काम करने का मौका मिला है उसमें मैंने पूरी मजबूती से पूरी निष्ठा से अपने विभाग में काम करने का प्रयास किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर फिर भी अगर कोई कमी रह गई है उसके लिए मैं विनम्रता से प्रदेश की जनता से माफी मांगना चाहता हूं कि अगर कोई कमी मेरे से रह गई होगी और आने वाले समय में हम मजबूती से जिस भी कैपेसिटी में मैं हूंगा मैं हमेशा प्रदेश की आवाज को, प्रदेश के लोगों की आवाज को बेबाकी से पूरी मजबूती से उठाने का काम करता रहूंगा, ये मैं कह सकता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। क्या आप नेतृत्व परिवर्तन की मांग करते रहे हैं? देखिए मैंने बिल्कुल साफ तरीके से कहा है, जो अपनी बात मैंने कहनी थी वो मैंने पार्टी हाईकमांड से कही। नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द हाईकमांड एंड दे हैव टू डिसाइड वेर एंड वेन द पार्टी इज हेडेड इन विच डायरेक्शन, कौन से निर्णय, कौन सी ओर ये पार्टी का आगे आने वाले समय में निर्णय होता है, ये निर्णय पार्टी की हाईकमांड ने लेना है, इस पे मेरा कुछ भी कहना ठीक नहीं है। देखिए मैं आज भी कह रहा हूँ पार्टी हाईकमांड ने मुझे समर्थन किया है, उनका पूरा सहयोग मिला है, हर जंक्चर पे मिला है और मैंने उनसे बात करी है, मगर अब ये निर्णय उन्होंने लेना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो मैंने करना है वो मैंने कह दिया।
आई वुड नॉट लाइक टू डिस्कस व्हाट आई हैव स्पोकन टू हर इन पर्सन, मगर मैंने जो वास्तविक परिस्थितियां हैं उसके बारे में उनको जागरूक किया है, उनको अवगत करवाया है और आने वाले समय में निर्णय जो है वो पार्टी हाईकमान के हाथ। सर, आपको लगता है कि अगर दैट इज फॉर हिम टू डिसाइड, आई एम नॉट फोर्सिंग एनीथिंग। आपको लगता है कि जो छह विधायक बागी हुए हैं, अगर नेतृत्व परिवर्तन हो जाता है, मुख्यमंत्री को चेंज कर दिया जाता है तो सरकार बच सकती है, जो सरकार पर संकट अभी आया हुआ है? देखिए, हम तो चाहेंगे कि हर परिस्थिति में सरकार बचे, संगठन बचे। जैसे मैंने कहा कि बहुत प्यार से प्रदेश के लोगों ने इस सरकार को बनाने में अपना योगदान दिया है। आने वाले समय में क्या होता है क्या नहीं होता है ये निर्णय पार्टी हाईकमांड ने लेना है। विक्रमादित्य जी, एक साल बाद ये बात क्यों, जब सरकार टूटने की स्थिति हिमाचल प्रदेश में आ गई है, विधायक कितने हैं, क्योंकि बीजेपी भी तरह तरह के दबाव विधायकों पर डालती है, क्या आप पर भी कोई ऐसा दबाव तो नहीं है? देखिए, मैं जो करता हूँ वो ठोक बजा के करता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं। जहाँ गलत हूँ उसको मानने में भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं हर चीज में मैं सही हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मगर व्हाटएवर आई डू इट ऑन अ क्लीन स्लेट। इसलिए मैं ये बात पूरी मजबूती से कह सकता हूँ कि हमने जो जो बातें कही है हमेशा पूरी मजबूती से कही है और जो डिलीवरेंस है उसको भी पूरे तरीके से रखने का प्रयास किया है। इसलिए ये चीजें हमने पहले भी रखी है, मगर आज जिस मोड़ पे हम खड़े हैं तो इस बात को पूरी मजबूती से रखना ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सदन में आज जाएंगे आप, क्योंकि सरकार को समर्थन की जरूरत है, जानकारी है कि आज ही बजट